यूपी के अमेठी से नेहरू गांधी परिवार का पीढ़ियों का रिश्ता रहा है। अब इस परिवार की पांचवी पीढ़ी अमेठी में दिखी है। प्रियंका गांधी के बेटे रिहान अपने दोस्तों के साथ अमेठी के एक गांव में रुके, वहां पर रोटी सब्जी खाई, चारपाई पर सोए, गांव वालों से देसी और दशहरी आम का फर्क पूछा। देखिए रिहान वाड्रा के इस विलेज टूर में और क्या क्या हुआ। तख्त पर बैठकर खाना खाते, लोटे के पानी से हाथ धुलते, गांव की महिलाओं के साथ तस्वीर खिंचाते, इस लड़के को पहली नजर में आप शायद पहचान भी ना पाए। ये तस्वीर प्रियंका गांधी के बेटे रिहान गांधी की है, जो अपने मामा राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर गए थे। तस्वीरें 7 जुलाई की हैं। रिहान अपने दो दोस्तों के साथ कुहार के पांडे का पूर्वा गांव में पहुंचे थे। रिहान के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। हैरानी की बात यह है कि बरमूडा और बनियान में गांव की जिंदगी का लुत्फ उठा रहे रिहान को कोई पहचान भी नहीं पाया। पांडे के पूर्वा के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि उनके गांव में प्रियंका गांधी के बेटे आए हैं। हमारे सिर से कोई बात नहीं हुई, उसको हम लोग पहचान ही नहीं पाए या नहीं जान पाए कि वो आ रहे हैं। कैसे जाने आप लोग की है? रात को पता लगा कि राहुल गांधी के भांजे हैं। कितनी देर रुके थे आप लोग आपके पास? यहाँ रात भर रुके। कौन कौन था उनके साथ? उनके साथ वो लड़का था, उसके 3 साथी थे। खाना पीना घर पे ही खाए, उसके बाद गांव के समूह के माध्यम से आए थे और आकर अपना घूमे टहले, गांव का वातावरण देखा, उसके बाद कोई बातें हुई आपसे? बस यही देखने में, मतलब वो तो ज्यादातर कुछ किसी से ज्यादा बात नहीं करते। दिल्ली में पले बड़े रिहान ने शहर की रईसी की जिंदगी छोड़कर पहली बार गांव की गरीबी को करीब से देखा। गांव वालों से मिले जुले, गांव के माहौल में घुल मिल गए। 7 जुलाई की पूरी रात रिहान वाड्रा पांडे का पुरवा गांव में ही रहे, ग्रामीणों के साथ बैठकर खाना खाया, घर के बाहर मच्छरदानी लगाकर चारपाई पर सोए। रिहान के इस दौरे को बेहद गोपनीय रखा गया था। अमेठी जिला प्रशासन और स्थानीय कांग्रेसियों को भी इस बात की भनक नहीं थी कि प्रियंका गांधी के बेटे अमेठी में हैं। गांव वाले भी तब पहचान पाए जब रिहान अपने दोस्तों के साथ दिल्ली वापस लौट गए। मैं चेरी काटने खेत पर गया हुआ था और बाद में जब चेरी लेकर घर आया तो पता लगा कि कुछ मेहमान आए हुए हैं और हमको यही बताया गया कि वो समूह के आदमी हैं। फिर उनकी, मतलब जिस प्रकार से अवगत होती है, उनकी सेवा सत्कार किया, रात को भोजन कराया और रात यहीं रहे। रिहान अमेठी क्यों आए? आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी तो किसी ने नहीं दी, लेकिन गांधी परिवार को करीब से जानने वाले लोगों का दावा है कि रिहान एक खास मकसद से आए थे। रिहान की मां प्रियंका गांधी ने उन्हें गांव घूमने का असाइनमेंट दे रखा था ताकि वो शहर से दूर गांव की जिंदगी को भी करीब से देखें और समझ सकें। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये तीसरा मौका है जब रिहान अमेठी और रायबरेली के दौरे पर आए। इससे पहले रिहान की बहन मिराया भी अमेठी आ चुकी है। प्रियंका के दोनों बच्चे जब भी अमेठी या रायबरेली में आते हैं, सुरक्षा के लिहाज से उनके दौरे को बेहद गोपनीय रखा जाता है। अमेठी से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। पाने का पूर्वा गांव में किसी ने रिहान को दशहरी आम खाने को दिया तो रिहान ने पूछा कि दशहरी और देसी आम में फर्क क्या होता है। प्रियंका के बेटे गांव के पूर्व प्रधान के घर रुके थे, सेल्फ ग्रुप की महिलाओं से गांव के कल्चर के बारे में जानकारी ली। रिहान पहले भी अपनी मां के साथ अमेठी रायबरेली जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी गांव में उन्होंने रात गुजारी है। मंच पर प्रियंका और साथ में बेटे रिहान और बेटी मारिया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रियंका अपने पूरे परिवार को रायबरेली ले गई थी। पहले रिहान अक्सर अपनी मां के साथ अमेठी रायबरेली आते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रियंका ने अपने बेटे को गांव के तौर तरीके सीखने समझने के लिए अकेले अमेठी भेजा। भाई थर्द बंदर रहा उठाता अपने हा 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 ये धा है ऐस बैठाए
भला ऐसे बैठ के फिर सब उनका बताए ना जन समूह हमने मन से नहीं ऐस करके पैर बैठो यस बैठा उस बैठा वो तो वही बोला है ना अपने हम काज नहीं कहा किल बिल करते रहे हैं। पांडे के पूर्वा के लोगों ने बताया कि रेहान कितनी देर गांव में रहे। वो गांव के लोगों से कम ही बातचीत कर रहे थे, अक्सर वो अपने दोस्तों से ही बातचीत करते रहे। रेहान और उनके दोस्तों के लिए गांव वालों ने 3-4 बाई बिछाई थी, सबके लिए मच्छरदानी लगाई गई थी। खाने का मेन्यू बिल्कुल देसी था, खाने में रोटी, परवल की सब्जी, अचार, चावल दाल परोसा गया। गाँव की एक महिला के मुताबिक रेहान ने सब्जी और अचार के साथ सिर्फ 2 रोटी खाई, चावल और दाल को हाथ तक नहीं लगाया। पूरी रात खुले में सोने के बाद रेहान सुबह जल्दी उठ गए, गांव में ही नहाए, नाश्ते में पराठा सब्जी खाई और सुबह करीब 9 बजे वापस चले गए। हम लोग को सर ये पता ही नहीं चला कि वो राहुल गांधी के भांजे हैं, और जब वो रात को चुपचाप चले गए, खाए पे हमारे साथ घूमे टाले, जब वो चले गए तब हमें पता चला कि वो राहुल गांधी के भांजे हैं। तो कैसा रहा उनके साथ आप बिताए रात? बहुत अच्छा लगा सर हमें, और उनकी हमारे पास उनकी 2-3 तस्वीरें थी जो हमारे मोबाइल में, बाकी और हमें कुछ नहीं पता था उसके बारे में, उनके बारे में कि कौन है, ये कैसे हैं, हमें तो यही पता था कि बाहर की लड़कियाँ घूमने आए हैं। बेशक रेहान पहली बार अकेले अमेठी में रुके, लेकिन गांधी परिवार के लिए ये कोई नई बात नहीं है। खुद प्रियंका और राहुल बचपन में अपने पिता और दादी के साथ अमेठी आते जाते थे। दरअसल अमेठी गांधी परिवार के लिए सियासत की ऐसी पाठशाला है जहां परिवार की हर पीढ़ी राजनीति का ककेहरा सीखने के लिए आती है। लोगों से कैसे घुलना मिलना है, गाँव में रहन सहन कैसा है, ये सब अमेठी रायबरेली में ही सीख कर गांधी परिवार के लोग पब्लिक से सीधे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अमेठी से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट।